अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं लोडेड फ्राइज़। इस लोडेड फ्राइज़ आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी चिकन। चिकन आप जितनी चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो 150 ग्राम चिकन ले रही हूँ। उसके बाद उसके अंदर हमने डाला है 1 छोटा चम्मच नमक, आप जो है वो कम या ज़्यादा जो भी कर सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच दही, और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 छोटा चम्मच टिक्का मसाला। ये टिक्का मसाला जो है वो होममेड है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की है, अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद मैरिनेट करने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। चिकन है तो चिकन जल्दी वो हो जाती है, तो इसलिए 15 से 20 मिनट बहुत है। अब हम एक उबलते हुए पतीले पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, और उसके अंदर हम डालेंगे फ्राइज़, आलू फ्राइज़ की तरह कटे हुए। यहाँ मैंने आलू जो है वो 4 से 5 लिए थे, जिनके मैंने फ्राइज़ काट की तरह काट लिया था। अब हम इसको जो है वो बस 2 मिनट के लिए, उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको जो है वो उबाल आने तक पकाएंगे, फिर हम उसको निकाल लेंगे। हमें इसको बहुत गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसको जो है वो हल्का सा बिल्कुल डन करना है बस। इसकी वजह यह है कि ये जल्दी फ्राई हो जाएंगे और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला है। आप पहले फ्राइज़ को ठंडा कर लें निकालने के बाद, फिर उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालें। मुझे यहाँ पे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने डायरेक्ट ही डाल के फ्राइज़ करने के लिए आलू को ऑयल में डाल दिया था। तो बस हम इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि बिल्कुल गोल्डन हो जाए, बस इसको इतना फ्राई करेंगे कि क्रिस्पी से हो जाए। तो जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो आप इनको निकाल लिएगा, चाहें तो छन्नी में निकाल लें, क्योंकि जो है इसका फिर ऑयल अगर आप नहीं निकालेंगे तो ये सौगी हो जाएंगी, तो इसलिए आप इसको छन्नी में निकाल लें। मैंने यहाँ पे बाउल में निकाला है। और अब हम जो हमने चिकन मैरिनेट की थी, अब हम उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसको हमने 1 चम्मच तेल लिया है, और अब हम उसको उसके अंदर चिकन डाली है और उसको फ्राई करने के लिए रखते हैं। जब ये गोल्डन हो जाएगी, हमारी जो चिकन है वो गोल्डन हो जाएगी, तो हम इसको जो है वो निकाल लेंगे। और निकाल के फिर हम अगली बारी आएगी, अगला काम आएगा जो है असेंबल करने का। तो यहाँ पर ये है कि मैंने जब घर में बनाई थी तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ पे हम मेयोनीज़ का सॉस बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1 कप मेयोनीज़ लिया है और 1 चम्मच जो है वो मस्टर्ड पेस्ट लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने लहसुन का पिसा हुआ लहसुन लिया, 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच जो है काली मिर्च। यहाँ पे काली मिर्च मैंने बहुत पिंच के बराबर डाली थी, और 2 चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे चिली गार्लिक लिया है, चिली गार्लिक सॉस, और 1/2 कप जो है वो, या 1/4 कप कह लें, 1/4 कप जो है मैंने यहाँ पे वो लिया दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़े का सॉस बनता है। आप इसको चाहें तो आप जैसे मायो रोल होता है, आप उसमें भी डाल सकते हैं, बच्चों को रोल बना के जो देते हैं उसमें भी डाल के बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों में ये सॉस यूज़ हो सकता है, आप इनको इसको बना के रख लें फ्रिज में, और आप किसी भी चीज़ में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं असेंबल कर रही हूँ। सबसे नीचे फ्राइज़ रखी हैं, उसके ऊपर हम चिकन रखेंगे। चिकन आप जितनी भी कम ज़्यादा करना चाहें, उसके ऊपर हम सॉस डालेंगे। सॉस को हम अच्छे से बिछा लेंगे ताकि जो है वो हर जगह हमारा सॉसी हो, लोडेड हो ना, तो इसमें मेयोनीज़ भी है, लोडेड है तो जाहिर है हर जगह इसका सॉस होना चाहिए। ऊपर से हम इसमें प्याज डाल देंगे डाइस की तरह कटी हुई, और शिमला मिर्च डाल देंगे डाइस की तरह कटी हुई। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स भी थे तो मैंने वो भी डाल दिए थे, तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, तो नहीं है अगर घर में बना रहे हैं तो वो ऐसे भी चल जाता है। तो ऑलिव्स हैं, और मेरे पास ब्लॉक नहीं था चीज़ का, तो मैंने यहाँ पे स्लाइस लिया है।
तो 4 से 5 स्लाइस या आपको जितनी भी डालना है चीज़ वो आप ऊपर से डाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो मैंने बेक किया था, आप चाहें तो इसको ओवन में भी डाल सकते हैं, ऊपर से क्रश चिल्ली और हर्ब्स भी डाल सकते हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी, पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, लाजमी करिएगा, और हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे साथ ज़रूर बंदे रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।